और सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो महाराष्ट्र से आ रही है। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी ने समन जारी किया है। ये समन महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा गया है। तो शिवसेना की सांसद को समन भेजा गया है, ईडी ने समन जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शिवसेना की एमपी भावना गवली को ईडी ने समन जारी किया है। रौनक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रौनक, समन जो जारी किया गया है ईडी की ओर से, उसके बारे में बताएं। देखिए, ये जो मामला है काफी पुराना मामला है। महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें भावना गवली जो शिवसेना की सांसद है वो वन ऑफ दी डायरेक्टर है और मुख्य तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पिछले कई महीने से इस मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में भावना गवली के नजदीकी सईद खान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से भावना गवली को समन भेजा गया था, लेकिन वो अब तक हाजिर नहीं हुई है। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अगले हफ्ते उन्हें हाजिर रहने के लिए कहा है। अगर वो हाजिर नहीं होती तो ईडी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और नॉन अवेलेबल वारंट के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है। जी बिल्कुल, अगर यहाँ बात करें भावना गवले की, अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है रौनक, क्योंकि अगर उन्हें हर हाल में कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा। जी निश्चित तौर पर, फिलहाल ईडी ने समन्स जारी किया है तो ईडी के पास उन्हें हाजिर होना अनिवार्य होगा। अगले हफ्ते तक का समय जो है ईडी ने भावना गवली को दिया है। अगर वे हाजिर नहीं होती इस समन्स के बाद भी तो ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और कोर्ट से गुजारिश कर सकती है कि इस तरह के सबूत इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मिले हैं। लगातार समन्स भेजने के बाद भी भावना गवली जो है एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने नहीं आ रही है, इसलिए नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने की उन्हें इजाजत दी जाए। ठीक रौनक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।